कुमकुम भाग्य। प्लीज टेल हिम मेरी कुकी वापस कर दो। यस चक्कर मामा आगे। कियारा कियारा, तुम खुद कहती हो ना तुम्हें किसी के प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें? मैं पूरब से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं उनके बिहाफ पे तुमसे बात कर रही हूँ, वो कहीं नहीं जाएंगे, खुद तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। देखो प्रॉब्लम मेरी नहीं अभी की, वो पुलिस स्टेशन में। मुझे बोला था वो आपके पास है, कहाँ है वो? मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है? नीचे। ठीक क्यों गई है? स्केटिंग करने के लिए तुमने ये सब? मेरी तुम खो खो खेलो, डब्बा गोल खेलो, आइस पाइस खेलो। You're so caring father। मैंने है ना इसलिए। What? मतलब हम इस होटल में नए नए हैं, है ना पॉप्स? पॉप्स? मेरा नाम अभी है। बस अभी? इतना छोटा सा नाम? नाम है कि शॉर्ट फॉर्म? शॉर्ट लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म ही चलता है। और वैसे भी इतने सारे नाम तो तुम दे ही रखी हो। बलून प्लास्टर, ट्राइफर, डॉल चोर, इसी में नाम से बुला लेना। इतनी प्यारी है ना वो, ऐसे लगता है सालों से हमारा रिश्ता है। उसे देखकर एक अपनापन सा लगता है। अच्छा अब तो तुम्हारी फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा था कि अब तो तुम्हारी मम्मी से मिलना ही पड़ेगा। सच बताओ तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसी है तो उसकी मामा कैसी होगी। साल तक जिस प्रज्ञा से अभी दूर रहा है उस मुसीबत को मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। इस बार ये प्रज्ञा मेरा और अभी का रिश्ता नहीं तोड़ेगी। अभी और प्रज्ञा कभी नहीं मिल सकते। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये तो स्कूल है। छिपने का अच्छा जगह है ये स्कूल, इधर पुलिस हम पे गोली भी नहीं चलाएगा। चल अंदर ले। हेलो क्या प्रिंसिपल भी फोन नहीं उठा रहे? पुलिस को अब तक पता चल गया होगा हम लोग यहाँ हैं, इसलिए सारे स्कूल को घेर लिया होगा। अब उनसे बचने के लिए हमें तुम्हें घेरना होगा। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर मेरा भतीजा है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अंदर जाने अलाउड नहीं है। तो मेरे तो एक काम कीजिए, उन बच्चों को बाहर ले ला सकते हैं? नहीं ना। आप क्यों बहस कर रहे हैं? अंदर कोई चोर उचक्का नहीं, टेररिस्ट है। चलिए मैडम यूटर्न लीजिए, आप वापस जाइए। हुआ क्या है, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आगे रास्ता बंद है, आप प्लीज यूटर्न ले लीजिए। मुझे अभी बड़े साहब का फोन आया, लेकिन नाकाबंदी क्यों है? अरे टेररिस्ट अशोक और उसके साथी अभी अभी जेल से फरार हुए हैं। इंडिया से बाहर जाने के लिए हेलीकॉप्टर तक अरेंज है उनके लिए। लेकिन नाकाबंदी स्कूल के पास क्यों है? इसी स्कूल में तो छुपे हैं वो लोग। क्या ये खबर पक्की है? हाँ पागल है ये लोग, बचने के लिए बच्चों तक को निशाना बना लिया। क्या हो भैया, इतना ट्रैफिक क्यों है? मैडम शायद आगे नाकाबंदी है, शायद कोई वीआईपी आ रहा होगा। आप गाड़ी पीछे लीजिए, आगे रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमें तो इसी रास्ते से जाना है। देखिए रास्ता बंद है, कब खुलेगा पता नहीं, कई घंटे भी लग सकते हैं। आप प्लीज यूटर्न ले लीजिए। भैया यूटर्न ले लो। जी हाँ, अशोक एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो जेल से भाग गया है। उसे अपने कुछ साथियों के साथ ब्राइट सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में जाते हुए देखा गया है, जहाँ स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बताया जा रहा है। सॉरी। ठीक है ठीक है। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। यस सर, सर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन हमें और फोर्स चाहिए सर। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर मेरा भतीजा है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अंदर जाने अलाउड नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप उन बच्चों को बाहर लाइए, ला सकते हैं? नहीं ना। तो मुझे अंदर जाने दीजिए। आप क्यों बहस कर रहे हैं? अंदर कोई चोर उचक्का नहीं, टेररिस्ट छिपा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। और उन बच्चों को जो खतरा है उसका क्या? आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की पड़ी है? सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी उन बच्चों की जान बचाना है, मुझे रोकना नहीं। बचा सकते हैं? नहीं ना, जाने दीजिए मुझे। ये बच्चे अंदर होते तभी नहीं पता चलता। आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए,
अशोक पंडित नाम का टेररिस्ट अंदर छुपा है और ये नहीं पता उसके साथ कितने और टेररिस्ट हैं। प्लीज भाई, वो हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया। ये प्लानिंग है तेरी? मैं जेल से तो बाहर आ गया, यहाँ इंडिया से कैसे बाहर जाऊंगा? मन करता है कि तुझको गोली मार दूं। भाई भाई, हमने फोन भी किया था, तुझसे बात की मैंने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? चुप कर वरना तुझको भी गोली मार दूंगा। ए, बंद करा रहा थोड़ा, वरना तुम्हें। प्लीज प्लीज सर, बच्चे हैं, प्लीज। बच्चे हैं तो संभाले ने। हाँ मैं शांत कराती हूँ बच्चे, चुप चुप प्लीज, सब चुप हो जाओ। मैंने ऐसे गंदे लोग कभी नहीं देखे। तुमने कुछ कहा? अब पास बैठे हो तो बात कर ली। क्या कर रही हो? यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा। एक तो इन बच्चों ने दिमाग खराब कर रखा है और ऊपर से साला हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक। ए प्रिंसिपल, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी तेरी। अगर एक भी हिला ना तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तुम प्रिंसिपल को मत डांटो। मम्मा कहती है कि टीचर्स भी भगवान जी जैसी होती है। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो बगैर गोली के मर जाएगी। दादा, ए एंग्री बर्ड, पापा आ गए। आप? लेकिन मैं तो दादा को बुलाया था। सेम थिंग, गिव मी अ हग, कम ऑन। मैं चाहता हूं आज पार्टी में तुम अपने फैमिली को भी लेके आओ। मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहता हूं। आखिर देखे तो सही, वो कौन सी औरत है जो दिन रात तुम्हें झेल रही है? मैं तो अपनी वाइफ को ले आऊंगा, लेकिन काश मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ से मिल पाती। इस एटीट्यूड के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे शादी करेगा। ये शोलिन का नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस यहां पृथ्वी जी की कार में कैसे आया? एक भी छोरा ना है जिसे महक ने ना पछाड़ा हो। लड़कियां भिड़ते हुए नहीं, किचन संभालती वो ज्यादा अच्छी लगती है। जिया का है? हो सकता है वो अभी भी बाबा को ढूंढ रही है। मैं कॉल करता हूँ जिया को। दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे उसे? एक मिनट, फोन की आवाज यहाँ से आ रही है क्या? जिया, अर्जुन, जिया का फोन। ये ऐसा तो नहीं कि जिया ने गुंडों को बाबा को ले जाते हुए देख लिया? और सिर्फ सबूत ही नहीं, सबूत के साथ साथ तुम्हें भी दफना दूंगा मैं। होगा कल एक बड़ा खुलासा जब व्यास मैंशन के गुनहगार का चेहरा आएगा सबके सामने।